शासन ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों के विद्यालयों को 15 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है, जिसके संबंध में जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि शासन ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सभी विद्यालयों को 15 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है तथा दीक्षा पोर्टल पर QR कोडेड टेक्स्ट बुक में है। ईवी बिलोंग ऐप से कहानियां, रोचक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस शैक्षणिक कार्य में अभिभावक बच्चों को जोड़े। अगर किसी के भी परिवार में स्मार्टफोन है तो प्रेरणा सारथी ऐप पर बच्चों को ई पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजें। उन्होंने कहा कि प्रेरणा साथिया पर बहुत अच्छी सामग्री उपलब्ध है और बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि विद्यालय बंद होने पर भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हाँ जी, शासन द्वारा कोरोना के तीसरे लहर के प्रकोप के दृष्टिगत सावधानी पूर्वक सभी शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षणिक कार्य के लिए 15 फरवरी तक बंद रखने का आदेश किया है। अभी सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है, विशेषकर परिषदीय विद्यालयों में जहां ई पाठशाला चल रही है, जहां पे व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को दैनिक सामग्री, शैक्षणिक सामग्री भेजी जा रही है, दीक्षा पोर्टल पर हमारी सामग्री QR कोडेड सारे टेक्स्ट बुक्स में हैं, रीड अलॉन्ग ऐप से बच्चों को कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ और रोचक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें शैक्षणिक कार्यों में अभिभावक कृपया बच्चों को जोड़ने का कष्ट करें। किसी में भी अगर किसी के पास भी मोहल्ले में या परिवार में स्मार्टफोन है तो उनको प्रेरणा सारथी के रूप में नामित करते हुए प्रत्येक दिन आधा घंटा, एक घंटा न्यूनतम हमारे बच्चों को ई पाठशाला में पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें और बहुत अच्छा बच्चों को तो शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। वर्ल्ड क्लास कंटेंट उसमें उपलब्ध है और बच्चों को दक्षताओं में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत प्रमुख कार्य है, इसमें जुड़ने के लिए मैं अनुरोध करूँगा और कोशिश यही है कि इस कठिन घड़ी में भी बच्चों को पढ़ाई का नुकसान ना हो।